पंजाब में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जब भिंडरांवाले और उसके साथियों का कब्जा हो गया और फाइनली सेना अमृतसर स्वर्ण मंदिर की तरफ कूच की तैयारी कर रही थी, उस समय तक मंदिर में बैठे भिंडरांवाले को इस बात का एहसास नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। वो इंदिरा गांधी के इरादों को बिल्कुल भी नहीं भांप पाया। इसके बाद आगे जो हुआ वो तो पूरी दुनिया जानती है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था सेना की गतिविधियां बढ़ रही थी, वैसे वैसे भिंडरांवाले के हाथ से बाजी निकलती जा रही थी। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं भिंडरांवाले की जिंदगी के आखिरी पलों की पूरी कहानी। हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। अपनी मौत के कुछ समय पहले भिंडरांवाले की बातचीत तीन पत्रकारों से हुई, जिनमें मशहूर फोटोग्राफर रघु राय, बीबीसी के मार्क डेली और टाइम्स ऑफ इंडिया के सुभाष किदवेकर। सीआरपीएफ ने ऑपरेशन ब्लू स्टार वाले दिन से चार दिन पहले ही अमृतसर मंदिर में फायरिंग शुरू की। ये घटना 1 जून की है। इसके बाद 2 जून को बीबीसी के पत्रकार माटली ने भिंडरांवाले से मुलाकात की। इस मुलाकात का हवाला देते हुए मार्क डेली ने अपनी किताब अमृतसर मिसेज गांधीज लास्ट बैटल में लिखते हैं कि भिंडरांवाले अकाल तख्त पर बैठे हुए थे। उन्होंने जब उनसे फायरिंग के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि सरकार की फायरिंग ये बताती है कि सरकार स्वर्ण मंदिर का अपमान करने पर तुली हुई है। उसे सिखों की लाइफस्टाइल बर्दाश्त नहीं है। यदि सेना ने मंदिर में घुसने की कोशिश की तो उसे जवाब दिया जाएगा। आमतौर पर भिंडरांवाला कैमरा फ्रेंडली बिहेवियर रखता था, लेकिन उस दिन वो अपसेट था। वो कहने लगा कि आप लोग जल्दी कीजिए, मुझे दूसरे भी काम है। सुभाष किदवेकर इकलौते ऐसे जर्नलिस्ट थे जो भिंडरांवाले से उस समय मिलने के लिए पहुंच गए जब स्वर्ण मंदिर को सेना ने चारों तरफ से घेर रखा था। उन्होंने बताया कि भिंडरांवाले को अब यही लगता था कि सेना मंदिर में नहीं घुसेगी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब स्टोरी नाम की एक किताब में मिस्टर किदवेकर लिखते हैं कि जब उन्होंने जनरल सिंह भिंडरांवाले से पूछा कि बेहतर हथियारों वाली सेना संख्या में ज्यादा है, आपके लड़ाके कम पड़ सकते हैं, तब भिंडरांवाले ने तत्काल जवाब दिया और ये कहा कि भेड़ अक्सर ज्यादा संख्या में होती है, लेकिन शेर अकेला ही हजारों भेड़ों से लड़ सकता है। इसके बाद मिस्टर किदवेकर ने जनरल सिंह से दूसरा सवाल किया, क्या आपको मौत से डर नहीं लगता? तो उसने कहा कि जो सिख मौत से डर जाए वो सिख नहीं हो सकता। उसके बाद बगल में खड़े स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा की प्लानिंग करने वाले मेजर शहबेग से एक्शन के टाइमिंग के बारे में पूछा तो उनका जवाब था कि शायद आज रात से एक्शन शुरू हो जाएगा। इसके बाद फोटोग्राफर रघु राय भिंडरांवाले की मौत से दिन पहले उससे मिलने का इरादा लेकर पहुंचे। काफी मुश्किल के बाद उन्हें जाने दिया गया क्योंकि आर्मी अपने हर एक कदम को काफी सीक्रेसी के साथ पूरा कर रही थी। भिंडरांवाला उस समय अकाल तख्त में सेकंड फ्लोर पर मौजूद था। उसकी आंखें डर और गुस्से से भरी हुई थी। उससे, तुम यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने बोला कि मैं तो आपसे मिलने के लिए और फोटोग्राफ्स के लिए आया हूँ। उसने उसमें कहा कि मैं देखूंगा अंदर कौन आता है। 6 जून की सुबह लाउडस्पीकर से ऐलान किया जाने लगा, जिसमें मंदिर के भीतर छुपे आतंकवादियों से ये कहा जाने लगा कि जो कट्टरपंथी मंदिर के कमरों और तहखानों में छिपे हैं वो स्वेच्छा से हथियार डालकर बाहर आ सकता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड कर रहे मेजर जनरल बुलबुल बरार ने इस पूरे ऑपरेशन पर एक किताब लिखी, ऑपरेशन ब्लू स्टार द ट्रू स्टोरी। उन्होंने लिखा कि 26 मद्रास के सोल्जर्स जैसे ही मंदिर के भीतर घुसे, 2 चरमपंथी भागते हुए नजर आए जिन्हें उन्होंने गोली मार दी। उनमें से एक तो मारा गया लेकिन दूसरे को उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने जब भिंडरांवाले के बारे में उससे पूछा तो उसने बताया कि भिंडरांवाले अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद वो आदमी सैनिकों को उस जगह पर ले गया जहां भिंडरांवाले के साथ साथ 40 और चरमपंथियों की लाशें पड़ी हुई थी। तहखाने में मेजर जनरल शहबेग सिंह की लाश पड़ी हुई थी। शहबेग सिंह की डेड बॉडी के पास एक तरफ उसकी कार्बाइन पड़ी हुई थी और दूसरी तरफ उनका वॉकी टॉकी पड़ा हुआ था। लेकिन इस मामले में सीधे सीधे जनरल बरार से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि करीब 40 लोग सफेद झंडा लेकर दौड़ते हुए बाहर आए थे। फायरिंग बंद हो गई थी। इसे देखकर उन्हें ये लगा कि ऑपरेशन लगभग कंप्लीट हो गया है। इसके बाद उन्होंने अपने सैनिकों को बोला कि आप अंदर जाइए और तलाशी लीजिए। सैनिकों ने तलाशी ली और भिंडरांवाले की डेड बॉडी को रिकवर किया। उसे नॉर्थ साइड में एक बरामदे लाकर रखा गया और इसके बाद जितने भी चरमपंथी पकड़े गए थे उन्हीं के जरिए उनकी पहचान कराई गई। इस मौके पर पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ साथ सेना के हिदायत में आए सभी चरमपंथी मौजूद थे। इस इंसिडेंट के बाद आई किताब पंजाब स्टोरी में पत्रकार शेखर गुप्ता लिखते हैं कि उन्हें ऑफिसर्स ने बताया कि जैसे ही वो अकाल तख्त के अंदर गए तो उन्हें वहाँ बारूद की जबरदस्त गंध महसूस हुई। वहाँ का पूरा फर्श यूज्ड बुलेट्स के खोखों से भरा हुआ था। ये देखकर सैन्य अफसर सोचने लगे कि आखिर इतने ज्यादा कारतूस को क्यों यूज किया गया? अगर ऑटोमेटिक वेपन को भी आप लगातार यूज करें तो नुकसान होता है। विदाउट ब्रेक कंटिन्यूस फायरिंग से कई बार बंदूक की नाल पिघल जाती है। कई चरमपंथी तो ऐसे थे जिनके कंधों पर नीले निशान थे, जो ये शो करते थे भले ही इनमें लॉजिकली कमी रही हो, परंतु ये जोश से भरे हुए थे।
भिंडरांवाले के लास्ट मोमेंट की इन्फॉर्मेशन दो जगह मिलती है, अकाल तख्त के जत्थेदार कृपाल सिंह की किताब आई विटनेस अकाउंट ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार में उन्होंने अकाल तख्त के प्रमुख ग्रंथी ज्ञानी प्रीतम सिंह के हवाले से बताया कि ज्ञानी प्रीतम सिंह अपने 3 सेवादारों के साथ उत्तरी इलाके में बैठे हुए थे। लगभग 8 बजे फायरिंग कुछ कम हो गई तो उन्होंने संत जनरल जरनेल सिंह भिंडरांवाले को शौचालय की तरफ से आते हुए देखा, जहां उन्होंने अपने हाथ मुंह धोए फिर अकाल तख्त की तरफ चले गए। इसके बाद 8:30 बजे सरदार अमरीक सिंह आए, उन्होंने भी हाथ पांव धोए और ज्ञानी प्रीतम सिंह को निकल जाने का इशारा किया। जब उन्होंने उनके प्लान के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि भिंडरांवाले तहखाने में है। उन्होंने पहले 7 बजे शहीद होने का डिसीजन लिया मगर फिर उसे स्थगित करते हुए 9:30 बजे तक का समय तय किया। इसके बाद ज्ञानी प्रीतम सिंह ने संत के लोगों से लोहे के दरवाजे वाले गेट की चाबी ली और अपने 12 साथियों के साथ बोहार वाली गली में बाहर निकल आए। इसके बाद वो लोग दरबार साहब के दूसरे सेवादार भाई बलवीर सिंह के घर में चले गए। इसी इंसिडेंट पर एक और किताब आई द गैलेट डिफेंडर, जिसमें A.R. दर्शी ने अकाल तख्त के एक और सेवादार भाई हरि सिंह के हवाले से बताया कि वो उनके 30 साथियों के साथ कोठा साहब में छुपे हुए थे। 6 जून की सुबह 7:30 बजे भाई अमरीक सिंह उन लोगों के पास आए और उनसे कोठा साहब छोड़ देने के लिए कहा। साथ ही ये भी कहा कि अब सेना के टैंकों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसके बाद संत भिंडरांवाले अपने 40 समर्थकों के साथ कमरे में आ गए। भिंडरांवाले ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष प्रार्थना की और फिर सभी लोगों से कहा कि जो लोग मेरे साथ शहादत देना चाहते हैं केवल वही रुकेंगे, बाकी लोग अकाल तख्त छोड़ दें। जब भिंडरांवाले आगे बढ़े तो उनके पीछे उनके 30 समर्थक चलने लगे। भिंडरांवाले अपने समर्थकों के साथ जैसे ही बाहर निकले, सबसे पहले अमरीश सिंह को गोली लगी और उसके बाद भिंडरांवाले के 10 से 12 समर्थक ढेर हो गए। अंदर आकर किसी ने सूचना दी कि अमरीक सिंह शहीद हुए हैं। पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने संत को मरते हुए नहीं देखा। माटली और सतीश जैकब लिखते हैं, तत्कालीन प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह के एडवाइजर त्रिलोचन सिंह को किसी ग्रंथी ने बताया था कि जब भिंडरांवाले बाहर आया तो उसकी जांघ में गोली लगी थी और फिर उसके आदमी उसे अंदर ले गए, लेकिन फिर भी भिंडरांवाले की डेथ का कोई भी आई विटनेस नहीं है। एक और गंदी ज्ञानी पूरम सिंह को सैनिकों ने बताया था कि उन्हें भिंडरांवाले शहबेग सिंह और अमरीक सिंह के शव 7 तारीख की सुबह तख्त के आंगन में मिले थे। फाइनली भिंडरांवाले की मौत 6 जून को ही हो गई थी। जनरल बरार उनके ऑफिसर ने भिंडरांवाले के किले के ढह जाने की सूचना दी तो उन्होंने वहां पर एक गार्ड तैनात कर दिया। तलाशी के लिए सुबह होने का इंतजार किया। इसके बाद भिंडरांवाले अमरीक सिंह और शहबेग सिंह इन तीनों के शव तहखाने में मिले। ब्रिगेडियर ओमकार एस गोराया ने भी इस इंसिडेंट पर एक किताब लिखी, ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड आफ्टर एंड माय विटनेस अकाउंट में उन्होंने बताया कि भिंडरांवाले के शव की सबसे पहली पहचान DSP अमर सिंह बाजवा ने की थी। बर्फ की सिल्ली पर रखे उसके शव को वो खुद भी पहचान रहे थे। हालांकि उन्होंने कभी जनरल सिंह को जीवित अवस्था में नहीं देखा था। उनका जूड़ा खुला था और पैर की हड्डी टूटी हुई थी। शरीर पर गोली के कई निशान थे। 7 जून की शाम 7:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया। ये वो समय था जब मंदिर के बाहर लगभग 10,000 लोग इकट्ठा थे, मगर सेना ने सभी को कंट्रोल में किया। भिंडरांवाले और उसके साथियों के शव को पुलिस ऑफिसर ने ही उठाकर सत्सम्मान चिता पर रखा। हालांकि भिंडरांवाले की मौत के बाद भी उसके जीवित होने का दावा पाकिस्तान ने किया और ये कहा कि वो 30 जून को पाकिस्तान टेलीविजन पर भिंडरांवाले को लाइव पेश करेंगे, लेकिन ये उसका केवल एक प्रोपेगेंडा था जो कभी पूरा नहीं हुआ। तो ये थे भिंडरांवाले की मौत से पहले के कुछ इंसिडेंट। वीडियो पर आपकी राय का हम इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।